हेलो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जो है आपको फर्स्ट ईयर के हॉस्टल के बारे में आज बताने जा रहा था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमारे फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल है उसका नाम राजेंद्रा हॉस्टल है, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यह मेरा हॉस्टल कैसा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जनरली जो है फर्स्ट ईयर में हॉस्टल जो अलॉट होता है वो सिंगल सिंगल ही अलॉट होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जो हमारा सीनियर का हॉस्टल था वो रिनोवेशन चल रहा था, तो हमारा जो 16 बैच है वो हमारे साथ ही रहता है। तो अभी 16 बैच हमारा इंटर्नशिप कर रहा है, तो कुछ दिन में वो लोग चले जाएंगे यहाँ से, लगभग मार्च या अप्रैल में चले जाएंगे वो लोग। तो फिर से हो सकता है वो लोग प्रिंसिपल जो हो सकता है प्रिंसिपल सर फर्स्ट ईयर में सिंगल सिंगल रूम ही अलॉट कर दें, और हम लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे दूसरे हॉस्टल में जो जिसका नाम है न्यू यूजी हॉस्टल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर रहते हैं हम लोग और इधर रहते हैं हमारे सीनियर्स। मेन गेट से घुसते ही बाएं तरफ ये है हमारा मेस जहां हम लोग खाना खाते हैं। ये है सेकेंड फ्लोर और यह है छत का रास्ता। ओ, और ये देखिए हमारे हॉस्टल के छत का नजारा। ये जो आपको हॉस्टल दिखाई दे रहा है ये वाली लॉबी और इधर से ये वाली लॉबी और ये पूरा लॉबी, इसमें 16 बैच रहता है जो कि अभी इंटर्नशिप बॉस कर रहे हैं अभी। और ये वाला जो छत दिख रहा है ये मेस का छत है, इसके ऊपर लोग वो बैडमिंटन भी खेलते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि नेट कोई उखाड़ के ले गया है। और ये हमारे 500 बेड पीडियाट्रिक्स की बिल्डिंग यहाँ बालकनी से ही दिखाई देता है, और ये खाली एरिया है जिसमें गाय घूमती रहता है, गाय कुत्ता। और इधर पीछे एकदम सामने पीछे एक तरफ आप जाएंगे तो यहीं आपका वॉशरूम सब कुछ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक राजेंद्रा हॉस्टल का एक सबसे स्वच्छ रूम, कमरा नंबर 151। ये पूरा पूरा स्टूडियो बना के रखे हैं अपने रूम के अंदर। ये स्टिकर और इसको क्या बोलते हैं राहुल, ये चार्ट, चार्ट गिटार माइक लैपटॉप हेडफोन सब कुछ है। ये बैग घूमने के लिए, बस एक एक ही चीज नहीं है लड़की। अब आप अपना नाम बताइए, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। डॉक्टर साहब मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। हमारा हॉस्टल रात में कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए। हमारे हॉस्टल का रूम आप देख सकते हैं, यहाँ दो बेड डले हुए हैं, एक मेज एक कुर्सी। मेज हम अपना लगाए हैं क्योंकि हमको मेज मिल नहीं पाया था, हम लोग बहुत लास्ट में मिल नहीं पाया, लेकिन जो है यहाँ से हमको मेज और कुर्सी दोनों अलॉट होता है और बेड भी अलॉट होता है। और आप इसमें एक देख सकते हैं अलमारी भी है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, किताबें रखी हुई हैं और यही सब है सामान। और इधर अलमारी है, यहाँ पे भी आप सामान अपना रख सकते हैं। और एक ये खिड़की है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये खिड़की से सीधे पीडिया वाली बिल्डिंग आपको सामने दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है इसमें से। और ये चार्जिंग पॉइंट है, सुनता रहा मोबाइल चार्ज कराता रहा बैठ के। और ये शरद बाजे वाले का बाजा, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। आप इसमें ठंडी के दिन में हीटर भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हीटर, अभी मैं चलाऊंगा इसको, ठंडी बहुत लगती है यहाँ।